की जनरल नॉलेज में एक बहुत अहम कि बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिटोनिया। तीनों 1991 में यूएसएसआर से अलग हुई थी। यूएन में तीनों वोट एक साथ देती हैं, तीनों का आपस में एक जैसा टैक्सेशन टैरिफ होता है। कोई भी ट्रेड होती है, कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है, यूएन में कहीं वोट देना है, तीनों हमेशा मिलकर करती हैं। लेकिन कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो पॉलिटिक्स से टकराती हैं, जैसे कि फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी, और रशिया का एक बहुत छोटा सा पार्ट जिसके ज़रिए ज़ाहिर ट्रेड मुमकिन नहीं है। ठीक है, बनाए ना। और जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड ज़ाहिर इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। फिर ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज़ टकराती हैं? जॉर्जिया, रोमानिया, बल्गारिया, यूक्रेन, तुर्की और रशिया। अब आजकल बहुत हो रहा है 2023 में तुर्की सुपर पावर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताता हूँ। रशिया का अनफॉर्चून कि रशिया के साथ बहुत सारे समंदर हैं, ज़्यादातर वो हैं जहाँ साल भर बर्फ रहती है या चंद महीने तो रहती है, और जो खुलते भी हैं तो फिर जहाँ से वो खुलते हैं वहाँ कोई ना कोई नेटो कंट्री है। नेटो जो कि अमरीका का एक फौजी इत्तेहादी ग्रुप है। अब देखें, जॉर्जिया और रोमानिया और बल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, इन सब की तजारत ब्लैक सी के ज़रिए मुमकिन है। और ब्लैक सी 98% खुश्की से घिरा है। सिर्फ 2% जो इसकी मिलता ही है वो फॉस्फोरस दर्रे दानियाल जिसको कहते हैं उससे मिलता है, और दर्रे दानियाल इसको किससे मिलाता है? मेडिटेरियन सी से, क्योंकि बाकी सारी दुनिया से मिला हुआ है। अगर तिजारत होती है तो किसके ज़रिए होती है? दर्रे दानियाल, जो कहाँ से गुजरता है? कुस्तुनतुनिया, जिसका नया नाम क्या है? इस्तंबुल। तो 1923 में तुर्की को मजबूर किया गया था कि भाई आप इस ट्रेड पे सिग्नेचर करो कि आप कोई टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लोगे, दुनिया के जिस जहाज़ को गुजरना है वो दर्रे दानियाल से गुजरेगा। ये कब ख़त्म हो जाएगा? 2023 में। इसका मतलब है कि तुर्की में टैरिफ लिया करेगा, और जब तुर्की टैरिफ लेगा तो तुर्की की इकनॉमी बड़ी तेज़ी से ऊपर आ जाएगी। आगे देखें, कैस्पियन सी, ये मिलता है तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। इसको सी से इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉल्टिश वाटर, बाय डेफिनेशन दिस इज द लेक, दुनिया की लार्जेस्ट लेक। लेक इसको कहते हैं जो चारों तरफ खुश्की से सराउंड हुई है, कहीं से भी वो किसी दूसरे समंदर से ना मिलती हो तो वो लैंड होती है। ठीक है जी, जैसे कि ये, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये सारी कंट्रीज़ हैं, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। वैसे इन सब की आपस में दोस्ती है, लेकिन दुश्मनी का सबब है कैस्पियन सी। पाँचों इस पर अपना हक जमाते हैं। कैस्पियन सी के अंदर में पेट्रोल और सोना बहुत है। जब से नई दरियाफ्त हुई है कि पेट्रोल और सोना बड़ा इतना खुश्की में नहीं जितना समंदर के अंदर पाया जाता है, तब से देख करके बड़े मामला हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में खेकड़ावन में बहुत पेट्रोल है, लेकिन जनाब उसको निकालने की तवज्जो नहीं दी जा रही है। अफसोस की बात, बलोचिस्तान में सोना भी है, आवाम पे तो इतना टैक्सेशन लग रहा है लेकिन वो चीज़ें नहीं निकाली।